दोस्तों, जब भी बात आती है एनिमल किंगडम में जिंदा रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की, तो सभी जानवरों में ताकत के साथ साथ उनका साइज भी रोल अदा करता है, क्योंकि ज्यादातर प्रीडेटर तो उनके साइज को ही देखकर भाग जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने जैसे दूसरे जानवरों से काफी बड़े हैं, और आज भी हम उन्हें दुनिया के किसी न किसी कोने में देख ही सकते हैं, क्योंकि वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं 6 शॉकिंग लार्जेस्ट एनिमल के बारे में जो दुनिया में आज भी मौजूद है। नंबर 6, द कोकोनट क्रैब। दोस्तों, वैसे तो ये हमारी लिस्ट के हिसाब से काफी छोटा जीव है, पर अपनी प्रजाति में दूसरे केकड़ों में ये बड़ा होता है, जिस हिसाब से इसे हम जायंट क्रैब भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये अजीब से दिखने वाला जीव प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के आइलैंड के तट पर देखने को मिलता है, जो जमीन पर चलने वाले सभी ऑर्थोपॉड्स में से सबसे बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 5 किलोग्राम तक होता है और इनके पैरों का फैलाव 3 फीट तक का होता है। इस केकड़े को अचानक देखने पर किसी भी आम आदमी का पसीना छूट जाता है। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये उन केकड़ों में से है जो इंसान को देखकर ही भाग जाते हैं। दोस्तों, ये जायंट क्रैब अपने खाने में चूहे, मुर्गी, यहाँ तक कि छोटी बिल्लियों को खा जाते हैं। वैसे तो इनके पास खुद को सुरक्षित करने के लिए कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, पर ये बड़े बड़े क्लॉज और जायंट बॉडी के मालिक होते हैं, जिससे ये किसी भी एनिमी को खुद से प्रोटेक्ट करते हैं। इनके क्लॉज में इतनी ताकत होती है कि इनकी मदद से ये कोकोनट के सेल को भी तोड़ सकते हैं, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हैं। नंबर 5, द ओशियन सनफिश। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बॉनी फिश कौन सी है? ये फिश कोई और नहीं बल्कि ओशियन सनफिश है, जो कि वर्टिकली 14 फीट और हॉरिजॉन्टली 10 फीट लंबी होती है। इसका वजन 2.5 टन तक का होता है, पर इसकी लंबाई में कमी होने का अजीब ही कारण है, और वो ये है कि इसकी पूंछ जन्म के समय में जितनी बड़ी होती है उतनी ही हमेशा रहती है और कभी भी बढ़ती नहीं है, जिस वजह से ये गोल पत्थर की तरह प्रतीत होती है, और शायद ही इसलिए इसका नाम लाइमस्टोन पड़ गया होगा। इनसे मनुष्य को कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इनका फेवरेट फूड जेलीफिश, एल्गे और दूसरे छोटी मछलियां होती है, पर ये स्कूबा डाइवर्स को देखकर काफी क्यूरियस हो जाती है और उनके बारे में जानने के लिए उनके पास भी आ जाती है। नंबर 4, द मीकोंग कैटफिश। दोस्तों, मीठे पानी की हेवीवेट चैंपियन का नाम मीकोंग कैटफिश है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2005 में रिकॉर्ड किया गया था। इसे पहली बार थाईलैंड में 2005 में देखा गया था, जिसका वजन लगभग 320 किलोग्राम था, जिस वजह से इसे मीठे पानी की अब तक की रिकॉर्डेड सबसे हेवी मछली माना जाता है, और ये बड़ी भी इतनी होती है कि इससे एक छोटे गांव का पेट भर जाएगा, और शायद इसलिए ये विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। मीकोंग कैटफिश सिर्फ पिछले एक सदी में ही अपने कुल पॉपुलेशन की 5% ही बची है, जिस वजह से इनका संरक्षण जरूरी है। इनकी सही संख्या का तो पता नहीं, पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ये सिर्फ कुछ 100 ही बची है, जिनमें से एडल्ट मीकोंग कैटफिश तो और भी कम है। दोस्तों, इनकी संख्या घटने के पीछे ओवर फिशिंग को माना जाता है, फिर चाहे वो इन्हें सीधे पकड़ते हो या फिर छोटी मछलियों का पकड़ा जाना हो, क्योंकि छोटी मछलियों के पकड़े जाने से इन्हें खाने की कमी का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, द गोलियथ फ्रॉग। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से मीडियम साइज और कुछ अंगूठे से भी छोटे मेंढक देखे होंगे, पर गोलियथ फ्रॉग तो हाथी के पैर के मोटाई से भी काफी बड़ा होता है। अब तक का मापा गया सबसे बड़ा गोलियथ फ्रॉग 34 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 3.5 किलोग्राम वजनी था, और इतना वेट किसी इंसान के पैदा हुए बच्चे का होता है, इसलिए इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि इसका ये साइज सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने इस ताकतवर बॉडी की मदद से पत्थरों को खिसकाकर अपने लिए घर तैयार करता है, और कुछ मेंढक तो अपने लिए तालाब का एक हिस्सा ही अलग कर लेते हैं और उसे पर्सनल पॉन्ड की तरह यूज करते हैं। ये पर्सनल पॉन्ड कुछ मीटर्स के होते हैं, और इसके अलावा यूज किए गए पत्थर का वजन उनके बॉडी वेट से थोड़ा ज्यादा होता है। और दोस्तों, ये इतनी ज्यादा मेहनत सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए करते हैं। नंबर 2, द लायंस मेन जेलीफिश। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कोई जीव ब्लू व्हेल से भी लंबी हो सकती है, पर दोस्तों, एक जीव ऐसा भी है जो व्हेल से भी लंबी है, और वो है लायंस मेन जेलीफिश। ब्लू व्हेल की लंबाई 108 फीट होती है, जबकि इस जेलीफिश की लंबाई इससे कहीं ज्यादा 120 फीट तक होती है, पर ये लंबाई इसकी टेंटिकल्स की होती है, जो दूसरे चीजों में फंसकर टूटती रहती है और कभी कभी बढ़ते भी रहती है। इसके अलावा इसकी एक खास बात ये भी है कि इसके टेंटिकल्स उसके मर जाने के बाद भी जीवित रहते हैं,
और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। अगर कभी आपको बीच पर इस प्रकार की मरी भी पड़ी मिले तो तुरंत भाग जाना, क्योंकि 2010 में 50 से 100 स्विमर्स को एक बीच में ऐसे ही एक लायन मेन जेलीफिश के काटने के केसेस आए थे, जिसके बाद उस बीच पर किसी गार्ड को करीब 20 किलोग्राम इसी जेलीफिश के टेंटिकल मिले थे। नंबर 1, द ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला बुआ सांप की प्रजाति का ये एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है, और ये लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड है, जो सिर्फ वहाँ के बड़े बड़े तालाब में ही रहता है। इन्हें पाइथन से काफी करीबी माना जाता है, पर साइज में उनसे भी थोड़ा ज्यादा होते हैं, जो लगभग 30 फीट तक लंबे हो जाते हैं, और वजन में तो पाइथन से डबल 220 किलोग्राम तक हो जाते हैं, जिनकी मोटाई 12 इंच तक होती है। और दोस्तों, फीमेल ग्रीन एनाकोंडा तो इनसे भी काफी बड़ी और मोटी होती है, जो कि जंगली सुअर, हिरन और जो कुछ भी इनके पकड़ में आ जाता है उन्हें पूरा निगल जाती है, क्योंकि इनके पास जहर नहीं होता, इसलिए अपने शिकार को दबाकर मार डालते हैं, फिर धीरे धीरे अपने खुले जबड़ों की मदद से उन्हें पूरा ही निगल जाते हैं, और फिर शिकार के पचने के बाद उनकी बची हुई। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे अपना बहुमूल्य लाइक जरूर दे, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। यार मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय धरती माता।